ताक पर संजय गांधी अस्पताल की सुरक्षा, आग से बचाव के लिए लगे अग्निशमन यंत्र के ज्यादातर सिलेंडर हुए एक्सपायरी। गर्मियों की शुरुआत होते ही लोगों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से एक अत्यंत बड़ी समस्या है आग की समस्या। गर्मियों के समय में एक छोटी सी चिंगारी भी विकराल आग का रूप धारण कर सकती है, जिसको रोकने के लिए अग्निशमन यंत्र का उन सभी जगहों पर लगाया जाता है जहां लोगों की अधिक संख्या में उपस्थित होने का अंदेशा होता है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भी सुरक्षा की दृष्टि से इन सिलेंडर को लगाया गया है, जिससे छोटे आकार की आग को बुझाया जा सके। परंतु हॉस्पिटल में लगे हुए ज्यादातर अग्निशमन यंत्र या तो एक्सपायरी हो चुके हैं या तो बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। हम आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में पहले भी कई बार आग लग चुकी है और अब सिलेंडरों के एक्सपायरी हो जाने पर एक बार फिर से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था ताक पर है। कितने लगे हैं ये तो पूरी जानकारी आपको विनोद तिवारी जी देंगे। और ये सभी एक्सपायरी अभी हो गए हैं, शायद नया लगने वाला है, शायद पेपर में हमने पढ़ा था, इससे ज़्यादा भी जानकारी हम लोग। सारे एक्सपायर हैं, अगर कोई हादसा होता तो फिर कैसे? सारे नहीं हैं, कुछ होने वाले हैं, कुछ हो चुके हैं। बाकी अभी ये तिवारी बताए ना, जब इंजीनियर तिवारी जी हैं वो जानकारी देंगे आपको।